मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के 14 करोड़ से अधिक किसानों की खुशहाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का न केवल वादा किया बल्कि इसके लिए कई काम भी किए। हर खेत को पानी पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में लगातार बढ़ोतरी इसका सबूत है। एक बार फिर प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने 14 फसलों की MSP बढ़ाकर देश के अन्नदाता को मुस्कुराने का एक और मौका दिया। प्रधानमंत्री के इस निर्णय के साथ कैबिनेट के बाकी निर्णयों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी के लिए किसानों के साथ समाज के सबसे वंचित वर्ग के तबके के जीवन में बदलाव लाना प्राथमिकता रहा है। अब तक के उनके तमाम निर्णयों के केंद्र में समाज का यही वर्ग रहा है। एक बार फिर कैबिनेट ने इसी वर्ग के हित को केंद्र में रखा है। मसलन न्यूनतम पूंजी, जोखिम और कम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने की संभावना वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग MSME को दिया गया पैकेज इस क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित होगा। इस क्षेत्र की सर्वाधिक इकाइयां उत्तर प्रदेश हैं। बेहतर गुणवत्ता के साथ उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वाधिक हुनरमंद भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। लिहाजा इस सेक्टर को मिले पैकेज का सर्वाधिक लाभ भी यहां की 90 लाख से अधिक MSME इकाइयों को मिलेगा। इसमें अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी, वह भी स्वदेशी उत्पादों के जरिए। इसमें आत्मनिर्भर भारत की राह प्रशस्त होगी। इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ के ऋण के प्रावधान और 50,000 करोड़ के इक्विटी निवेश के अनुमोदन से इस क्षेत्र के सबसे बड़े संकट, पूंजी की कमी का हल निकलेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के निवेश और कारोबार का दायरा बढ़ाकर भी केंद्रीय कैबिनेट ने सराहनीय कार्य किया है। सड़क की पटरियों पर दुकान लगाने वालों के लिए की गई घोषणा से देश 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों के परिवार में खुशहाली आएगी। पहली बार किसी सरकार ने सब्जी, फल, चाय, ब्रेड, पकौड़ा और पान बेचने वाले, मोची, बाल काटने वाले और कपड़ा बेचने वाले की सुध ली है। अब इनको मात्र 7% ब्याज पर आसान किस्तों में साल भर के लिए 10,000 का ऋण मिल सकेगा। कोरोना के अभूतपूर्व संकट के दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने भी फैसले लिए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे।